स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री चरण कमले धेयम् सदा परिभव मघन वीष्ट दोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरिञ्चिनुतम् शरण प्रत्यादिहं प्रणतपाल भवाधिपोदम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारम् व्यापतंगयेन चराचरम् तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती मया दृष्टवान् मा वीणा धारिणी हंसवाहिनी समायुक्तया विद्यादान करो मम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या तापत्रय विनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमस्ते। वंशे विभूषित करा नवनीरदा तत्त्वं हम न जाने। निगम कलप तरोर गलिदं फलम सुख मुखादं रिद्रव्यसुत्तं पीवतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुका। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय जय राधारमण। प्यारे जय जय नवल किशोर। जय
प्रचुर प्रभु जय जय माखन जो होली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा माधव भगवान की जय श्रीमद भागवत महापुराण की जय श्री वेद व्यास जी महाराज की जय श्री परमहंस सुखदेव मुनि जी महाराज की जय सनकादिक ऋषियों की जय श्री नारद जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय भगवान की जय अंजनी सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय भगवती मैया की जय 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 श्री राधे परम मंगल में प्रार्थना अखिलेश्वर अकारण करुणा वरणाल्य भक्त वांछित कल्प तरु तड़िद्युत मिनिंद्र पिताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल जी की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी की पावन पवित्र दिव्य चतुर्थ दिवस में आए हुए समस्त भक्तजनों को जय जय श्री राधेश्याम। आइए आज के मंगल में नाम गुणगान को हम सब अपनी वाणी से रटते हुए भगवान की दिव्य अमृत रसोधारा में हम सभी प्रविष्ट करते हैं। कहते चलना भी आवश्यक है और पथ भी बड़ा विशाल है, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। आज जाना आवश्यक है, भगवान जी की लीलाओं तक पहुंचना है, नंदोत्सव तक पहुंचना है। धीरे धीरे सब कथाओं में स्पर्श करते हुए हम सभी भाव से श्री ठाकुर जी के नंदोत्सव में आज सम्मिलित होंगे सभी। आइए सबसे पहले भगवान की मंगलमय कथा है। आज नंद के घर आनंद भयो, दिव्य नंदोत्सव होगा। तो जहां मंगल की मूर्ति भगवान विराजमान होने जा रहे हो और दिव्य भगवान की कथा विराजमान हो, सोनी मंगल में नाम से भगवान का मधुर भाव से मधुर स्वरूप से दिव्य स्वरूप को नैनों में बसाते हुए मधुर नामों का गुणगान करना चाहिए। आइए सब बड़े प्रेम भाव से जिनको सुलभ है वो साथ साथ गुनगुनाएं भगवान के नाम। मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपति लखितम
मधुराधिपति रखिलं मधुरम Oh,
हंसना भगवान का कितना मधुर है, हृदय भगवान का कितना मधुर है कि भक्तों की जरा से ताप को देखते हैं तत्क्षण भगवान पिघल जाते हैं। ऐसे हैं हमारे मधुरमय भगवान। वो दिव्य अधर जिन अधरों से मुरली का निनाद गोविंद करते हैं, वो नयन मधुर जिन नैनों के कटारी के द्वारा भक्तों को ऐसा अपने नाम अपने रूप सौंदर्य के जंजाल में गोविंद सदा के लिए अपना लेते हैं, इससे की कोई छूट नहीं पाता। ऐसे मधुर नैन गोविंद, जब भगवान की वाणी वचन इतना मधुर है, जब भगवान मुखारविंद से कुछ कहते हैं बोलते हैं, सबस गोपियों का हृदय वहीं पर ठहर जाता है कि अब गोविंद की वाणी के सिवाय कोई दूसरी वाणी न सुनने को। और भगवान की यदि चाल देखी जाए तो ये टेढ़े बांके बिहारी की लाल है। टेढ़े की चाल तो टेढ़ी ही होगी, तो ये टेढ़ी टांग वाला टेढ़ी टाल से ऐसा चलता है कि हर कोई इसके कदम से कदम मिलाने के लिए उद्गत हो जाता है। हम भी बिहारी जी की राह पर चल जाते। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, भगवान की मधुरता का ताप कहां तक गुणगान करें। भगवान जी की समस्त लीला समय के अंदर हर लीला में माधुर्य भाव भरा है, हर लीला में माधुर्य। वेणुर मधुरो रेणुर मधुरो नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम, भगवान का साख्य भाव कितना मधुर है, नृत्य भाव कितना मधुर है प्रभु का। तो ऐसे मधुरमय मंगलमय भगवान जी का हम बारंबार संकीर्तन करते हैं और ऐसे दिव्य चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा माधव भगवान की जय, बोले गोपीनाथ भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। कल की कथाओं में आपने ध्रुवराज जी का चरित्र सुना। 5 वर्ष की आयु में श्री ध्रुवराज जी महाराज भगवान उस परम पद को प्राप्त कर गए जिसके लिए ऋषि मुनि लोग हजारों वर्षों तक तप में विलीन रहते हैं, विराजमान रहते हैं। सही कर लीजिए। प्रियव्रत जी का आपने चरित्र सुना, तो प्रियव्रत जी ने संकल्प लिया कि रात्रि होती ही क्यों है, हम कोई ऐसा साधन करें जिससे रात्रि होवे ही नहीं कभी। रथेन ज्योतिर्मयन रजनीमपि दिनपकृष्यामि, ऐसा दिव्य रथ की संरचना। तो ब्रह्मा जी घबराए, ब्रह्मा जी ने आकर के प्रियव्रत को समझाया तो दुराग्रह का त्यागन किया कि कल सब आपने श्रवण किया। प्रियव्रत के आगे चलकर के जम्बूद्वीप के अधिपति बने महाराज अग्नि श्रीहरि, और अग्निद जी के यहां पर बड़े पुत्र हुए नाभि, जो कि अजनाब खंड के राजा हुए। नाभि का विवाह
मेरू देवी जी से हुआ, लेकिन इनके यहां पर कोई संतान नहीं हुई तो भगवान की कृपा पाने के लिए तप किया, यज्ञ किया, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान हुआ। दिव्य यज्ञ अनुष्ठान में ऐसी दिव्य भावना से आहुतियां दी कि यज्ञ देव महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। यज्ञ नारायण भगवान यज्ञ से प्रकट हुए और कहा कि मांगो बेटा, क्या मांगना चाहते हो? लेकिन भगवान के दिव्य सौंदर्य स्वरूप को देख करके महाराज नाभि सशब्द खड़े रह गए, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। क्या मांगे इनके सामने भगवान, भाई से सही कर दो, चींची की आवाज ना। तो महाराज भगवान की ओर ही देखते रहे, एक टक मांगना भूल गए कि हम क्या मांगे। तब प्रभु जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि हे ब्राह्मण देवताओं, आप ही बताइए कि महाराज ने किस मंतव्य के लिए यज्ञ की रचना की, यज्ञ किया, हमें बुलाया, ये मांगना क्या चाहते हैं? तब ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु, ये आप जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, साधारण पुत्र नहीं, आप जैसा पुत्र चाहते हैं। तब ब्राह्मणों के कहने पर भगवान समझे, तो भगवान ने कहा हमारे जैसा पुत्र तो नहीं हो सकता, अब हमें ही इनका बेटा बनकर के आना पड़ेगा, इनके तप से प्रसन्न होकर। ऐसे मधुर हैं भगवान, अपने भक्त के ऊपर ऐसे रिझते हैं कि अपना ही स्वरूप प्रदान कर डालते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान स्वयं बेटे के स्वरूप में आ गए, तो कौन सा अवतार हुआ भगवान का? ऋखव अवतार। बोली ऋखव देव भगवान की जय। ऋखव देव जी बनकर के भगवान प्रकट हो गए राजा नाभि के यहाँ। भगवान ऋखव देव जी का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के संग हुआ, जिनके 100 पुत्रों ने जन्म लिया। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, तभी से अजनाब खंड का नाम बन गया भारत वर्ष, भरत से भारत वर्ष का नाम पड़ा। प्रभक्तों, भरत जी के हृदय में भगवान की बड़ी दिव्य भावना है। यहीं से ऋखव नंदन भरत सम्राट, भारत वर्ष के भरत बने, सम्राट बने, और इनके यहां पर 5 पुत्र हुए। उनमें से अपने बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंप करके राजा भरत पुलह आश्रम शालिग्राम क्षेत्र में मुक्तिनाथ, जो आजकल नेपाल में है, वहां पर बैठ करके भजन करने लगे, गंडकी नदी के किनारे, जहां से शालिग्राम भगवान जी, तो इसीलिए शालिग्राम क्षेत्र भी कहते हैं। गंडकी नदी से शालिग्राम भगवान जी का प्रादुर्भाव होता है। जिन शालिग्राम भगवान के हम अपने घरों में पूजन करते हैं, वो गंडकी नदी से ही प्राकट्य होता है। तो उस दिव्य गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भगवान का सुमरण किया भरत जी महाराज। सब यहां वहां की वार्ता से अपना मन छोड़ा और भगवान के नाम से अपना मन जोड़ा। प्रभु भक्तों, एक समय जब भरत जी महाराज बैठे नदी के किनारे भजन कर रहे थे, घोर निनाद हुआ, सिंह की गर्जना का निनाद हुआ, नेत्र खुले, सामने क्या दृश्य देखा? एक मृगी, एक हिरणी जल पी रही थी नदी से, और उधर से सिंह की दहाड़ जो सुनी, तो सिंह से अपनी प्राण रक्षा करने के लिए, क्योंकि गर्भस्थ शिशु है, वह जो हिरणी है उसके गर्भ में छोटा बालक है। गर्भवती हिरणी ने जैसे ही अपने प्राण और अपने बालक की रक्षा करने के लिए, बचने के लिए, बचाव हेतु जो छलांग लगाई, इस किनारे से दूसरे किनारे पर छलांग लगाई, तो सफर पूरा नहीं हो पाया, हिरणी का उधर किनारे से जाकर टकराया, और वहीं पर हिरणी का जो गर्भ है वो खंडित हो गया, बालक ने जन्म ले लिया, और इधर से हिरणी भी जल में बह करके प्राणांत कर लिया, और वह बालक भी जल में डूबने लगा, हिरणी का छोटा सा मृगी का बालक। तो डूबते बालक को देखकर के संत महाराज भरत जी महाराज जी को दया उपज गई, किनकी माता तो चल बसी, यदि अभी मैंने कोई सही समय पर निर्णय नहीं लिया, मैंने रक्षा नहीं की, तो ये बालक भी समाप्त हो जाएगा। तो संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो नवनीत के समान है, द्रवित हो जाता है। सो बालक को छलांग लगाई नदी में और बालक को निकाला, सुरक्षित निकाला, बालक का पालन पोषण किया, मृगी बालक। अब बालक को देखते ही देखते इतना मोह दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया
एक क्षण भी भरत जी महाराज उस छोटे हिरणी के बालक को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। खाएं तो संत महाराज जी के साथ में खाएं, पीवे तो संत महाराज जी के साथ में, और भजन भी करें तो भी संत महाराज जी के पास आकर के वो छोटा सा हिरणी का बालक बैठ जाए। देखो कैसा भाव है ये, तो तुरंत वहां पर आकर के बैठ जाता और संत महाराज जी को अपनी जीवा से चाटना प्रारंभ कर देता। इतना लाडला प्रेम पड़ गया मोहपुत्र से भी जैसे। तो प्रभु की महान आत्मा हो, चलते चलते समय व्यतीत होने लगा, बालक में अथाह मोह जब हुआ। परंतु एक समय, वैसे तो देखा जाए संत महाराज जी का ये कर्तव्य यहीं पर पूरा हो गया था, दया का। उन्होंने दया दिखलाई, दया की, और वहीं पर वो उनका कार्य संपूर्ण हो चुका था। लेकिन दया दिखलाने के पश्चात जो मोह के वशीभूत हो गए, वो मोह महाराज भरत को संत बनने के पश्चात भी पीड़ादायक हो चुका है। पानी पीने के लिए एक समय हिरणों का झुंड आया, और उस मृगी के बालक ने, हिरण के बालक ने जब देखा कि तो हमारी जाति की, अपनी जाति के जानकर कि वह हिरण का बच्चा वहां उनके झुंड में मिलकर के चला जाता। अब भरत जी महाराज जी का जब भोजन का समय हुआ तब पुकारा, नहीं आया। जंगल में यहां वहां नदी किनारे ढूंढा, लेकिन कहीं पर प्राप्त नहीं हुआ। अब भरत जी महाराज कहां, सब कुछ राजपाट त्याग करके, सब कुछ त्यागने के पश्चात विरक्त हुए, सन्यासी हुए, लेकिन मोह पड़ गया हिरणी के बाल। देखो इस मोह की कैसी पराकाष्ठा है, ना जाने ये कहां पर और किस पर आ जाए। तो ढूंढा नहीं मिला, व्याकुल हो उठे। अंतोगत्वा होता यह है कि उस हिरणी के बालक के वियोग में तड़प तड़प करके श्री भरत जी महाराज जी अपना जीवन शांत कर लेते हैं। एक मृगा के संग थे भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। एक मृगा के संग से भरत धरी मृग देह, और तुलसीदास जी कहते तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। हम जैसे प्राणियों का क्या होगा जो इतने मोह माया के जंजाल में उलझे बैठे हैं, संसार के मोह में उलझे बैठे हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा। अगला जन्म श्री भरत जी का किसमें हुआ, उसी मृग योनि के अंदर हुआ, जिस मृग के लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागन कर दिए। अंते अंते या मति सागति ही, अंत समय में जिस वस्तु में, जिस जीव में आपकी मति होगी, बुद्धि होगी, जिसका स्मरण करेंगे आप, जिसे याद करेंगे, आपको वही जन्म प्राप्त होगा। भरत जी महाराज मरते मरते उस मृगी के बालक को याद करते रहे, तो अगला जन्म मृग योनि में हो गया। लेकिन स्मरण सारा बना रहा, भरत जी को याद रही कि मैं मृग के बालक के लिए, प्रेम के बालक के अंदर मोह लगा करके अपना जीवन शांत कर बैठा, इसलिए मुझे मृग योनि ज्ञान पूरा रहा। फिर वह मृग योनि को भी त्यागा। अब तीसरा जन्म अंगीरा गोत्रीय ब्राह्मण के परिवार में हुआ। अब सब बड़े भाई हैं उनके यहां, नौ भाई, ये भरत जी आदि नौ भाई बने तीसरे जन्म में। अब नौ भाइयों में से आठ भाई बड़े खूब भाव से पिताजी से पढ़ते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, खूब वेद पाठी बने, विद्वान बने। पर पिताजी ने इन्हें पढ़ा पढ़ा करके खूब प्रयास करना चाहा, लेकिन भरत जी पर पिताजी की पढ़ाई का कोई असर नहीं। अभी भी वही बात स्मरण है, अपने पिछले दोनों जन्मों को याद करे बैठे भरत जी महाराज इस जन्म में, तीसरे जन्म में। बोले अब संसार में मैं उलझने वाला नहीं हूं। तो वेद पाठी नहीं बने, पिता ने खूब समझाया, पढ़ा पढ़ा करके परेशान हो गए। वेद मंत्र तो याद करना बड़ी दूर की बात, गायत्री मंत्र तक भी याद करने के लिए तैयार नहीं है भरत जी। कभी पिताजी को गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाया। अब इनका नाम रख दिया जड़, नाम था भरत, लेकिन पिताजी ने दुखी होकर के इनके नाम के साथ लगा दिया जड़ की मूर्ख है, इसे कुछ समझ में नहीं आता। तो इनका नाम पड़ गया जड़ भरत जी महाराज। भरत जी भी यही चाहते थे कि एक बार पागलपन की मोहर लग जाए तो दुनिया से फिर नाता हमारा रहेगा ही नहीं, यही चाहते थे। तो दुनिया से बचे रहेंगे, संसार से बचे रहेंगे,
अगर हम यहाँ पर बुद्धिमान बनकर के रहेंगे तो पिताजी विवाह भी करेंगे, गृहस्थी भी बसेगी, बालक बच्चे भी होंगे और फिर इस मोह माया के जंजाल में उलझना पड़ेगा, इसलिए हमें बुद्धिमान बनना ही नहीं। भरत जी ने बड़ा अच्छा सोचा, क्योंकि जब तक संसारी को ये लगेगा कि इससे हमारा कोई कार्य सिद्ध हो सकता है, तब तक दुनिया वाले पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे हमारे। जब तुम तुम्हें हमें स्वार्थ लगेगा और दुनिया के मतलब में जब नहीं रहेंगे हम लोग, दुनिया के किसी मतलब के स्वार्थ के हम नहीं रहेंगे, तो दुनिया वाले अपने आप हमें छोड़ देंगे कि हमारे किसी काम का नहीं। कोई मूर्ख व्यक्ति है, उसे कौन बुलाता है, उसे कौन अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा। कोई निर्धन व्यक्ति हो जिसके पास पैसा नहीं, कुछ नहीं देने के लिए, उसे कौन बुलाता है, कौन मुख्य अतिथि कहता उसे, कौन उसे अपने कार्यक्रमों में बुलाता है। निर्धन व्यक्ति को धनी नहीं, निर्धन व्यक्ति के घर जाता कौन है मांगने। इसलिए स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ लाग करहिं सब प्रीति। तो जड़ भरत जी महाराज जी ने सोच लिया कि अब तो जड़ हमारे साथ लग गए, ये पक्की पागलपन की मोहर लग गई, ये बड़ा अच्छा हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। बड़ी विचित्र है दुनिया। अब जो आठ भाई थे, आठ भाइयों ने क्या देखा, ये जड़ भरत जी घर में रह करके खाली टिकट खाते हैं, खूब 10-10, 12-12 टिकट दिन में खा लेते हैं और पड़े रहते हैं, राम 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 करते रहते हैं, काम काज को इनको करना नहीं। सो उन्होंने अपने भाई की जड़ भरत महाराज जी की कुटिया खेतों में बनाई, लो यहां पर पड़े रहो और यहां रक्षा करो खेतों की। लेकिन वहां भी एक ही मंत्र, चिड़िया आती हैं, पक्षी आते हैं, दाना चुगते हैं, चले जाते हैं, भाई लोग इससे भी परेशान हुए और ये क्या कहते हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। बोले ये किसका दिया है अन्न पानी, हमारा थोड़ी ना है, ये भगवान का दिया है। और ये पक्षी, ये जीव किसकी देन है, ये भी परमात्मा की संतान है, आओ तुम्हें भी खाने का हक है, हम काय के लिए उड़ाए। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। भाइयों ने देखा ये अजब व्यक्ति है भैया, सारा खेत उजाड़ डालेगा ये, वहां से भी भगा के जाओ। अब यहां वहां विचरण करने लगे। एक समय जंगल के मध्य डकैतों से मुलाकात जड़ भरत जी महाराज की हो जाती है, पकड़ करके ले गए, डकैतों के सरदार उनके सामने ले जाया गया कि देखो महाराज, खूब हट्टा कट्टा व्यक्ति मिला है बलि देने के लिए। अब बलि देने के लिए सबसे पहले उनको नहलाया गया। अब जड़ भरत जी देखे भैया हमारी खूब सेवा हो रही है, नहलाने के पश्चात अच्छे वस्त्र दिए और प्रसन्न हुए, फिर खाने पीने की खूब बढ़िया बढ़िया सामग्री व्यंजन लगाए, खूब मीठा आदि मालपुड़ा खिलाया जा रहा है। बलि देने से पहले बलि देने वाले को खूब हष्ट पुष्ट कर रहे हैं, खिलाते पिलाते हैं खूब बढ़िया, फूलों की माला गले में डाली। अब भद्रकाली मैया के सामने जो ले जाया गया, अब शीश झुकाया जड़ भरत जी महाराज ने, और इधर से डकैतों के सरदार ने जो कटार उठाई, जो तलवार उठाई, खड़ग उठाई हाथ में, अब दृष्टि पड़ी, वाह महाराज आप तो इतना कुछ खाना पिलाना नहलाना दोलाना जो चल रहा था, ये बलि के लिए चल रहा था सब कुछ, अब समझ में आया। लेकिन कोई बात नहीं, फिर माँ भगवती के सामने शीश झुकाए बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। अब बैठे हैं गर्दन झुकाए हुए, इधर से जैसे ही कटाक्ष माँ भगवती मैया की तरफ देखा कि मैया आपके दरबार में आपके चरणों में मेरा शीश है, और यदि ये भेंट ये सेवा तुम लेना चाहते हो तो स्वीकार करो। माँ ने इतना सरल भाव देखा, ये भोला भाला मेरा भक्त है और ये डकैत अकारण ही इसे मेरी बलि देना चाहते हैं, तो माँ भद्रकाली अपने स्वयं स्वरूप से प्रकट हो जाती है, बोली भद्रकाली मैया की जय। सो भद्रकाली मैया ने प्रकट होकर के सभी डकैतों की गर्दन काट डाली, अब स्वतंत्र हो गए। अब जड़ भरत जी महाराज जी ने सोचा अब कभी अपने नगर में भी नहीं लौटेंगे, वापस नहीं जाएंगे, हमें घर जाना ही नहीं है, कोई नहीं है, ना हम किसी के ना कोई हमारा। अब मार्ग में चलते चले जा रहे हैं, हरि नाम सुमिरन करते हुए, प्रभु का नाम सुमिरन करते हुए चले गए। सिंधु सौविक देश के राजा राजा रहुगण से भेंट हुई। राजा रहुगण से भेंट कैसे होती है, मार्ग में चले जा रहे थे तो महाराज रहुगण जो है नित्य प्रति संतों का वचन सुनने के लिए जाते हैं, संतों की कथा सुनने के लिए सत्संग में जाते थे और पालकी में बैठ करके जाते थे। पालकी में अब चार कहार लगते हैं, चार कंधों पे ले जाया जाता है,
उसमें चार व्यक्ति चाहिए। एक समय उनका एक हार जो है वो बीमार पड़ गया और जड़ भरत जी हाथ लगे तो जड़ भरत जी को पकड़ करके ले आए कि चलो पालकी ढो, महाराजा साहब को लेकर के जाना है। बोले चलो भैया कोई बात नहीं। अपने शीश के ऊपर, अपने कंधे के ऊपर जैसे ही पालकी को उठाया अब चलने लगे, लेकिन जड़ भरत जी महाराज जी तो इतने निर्मल देव हैं, इतने निर्मल संत हैं कि सामने कोई चींटी दिखाई पड़े तो तुरंत उछल जाएं, छलांग लगाएं। ये इसकी सेटिंग कर दो, चींटी कर रहा है इसको सही कर दो। बोली बांके बिहारी लाल की जय। राजा रघुगण की पालकी ढोने के लिए चले, सामने दृष्टि कहां है? नीचे। दृष्टि पूतम नैसेत पादम, कि हमेशा नीचे देख करके चलना चाहिए। दृष्टि नीचे हो कि हमारे पांव के नीचे कोई जीवात्मा आकर के तो ना मर जाए, ऐसा स्वभाव है श्री जड़भरत जी महाराज जी का। तो जड़भरत जी महाराज बड़े परेशान हुए महाराज राहुगण। राहुगण इतना परेशान हुआ कि जैसे ही कोई चींटी आए, कोई जीव सामने दिखाई पड़े तो उछल करके उसे पार कर दे में, और वो जो बैलेंस है उसका पालकी का वो डगमगा जाता था, चट से खोपड़ी फूटती राजा की। राजा बड़े परेशान हुए, क्रोध में भर करके कहा, रे कहारो आज पालकी किस प्रकार से चला रहे हैं? बोले महाराज आज ये नया नया सेवक लगा है, हमारा एक सेवक बीमार हो गया लेकिन हम इसे पकड़ करके लाए। देखने में तो खूब, जब बाहर निकल करके देखा कि वाह देखने में खूब हट्टा कट्टा है और पालकी ढोना नहीं आता, महाराज ने खूब फटकार लगाया, लेकिन भरत जी पर कोई असर नहीं। भरत जी इस विषय में बिल्कुल नहीं सोचते। दृष्टि पूतम नैसेत पादम, वस्त्र पूतम पिबे जलम, सत्य पूतां वदेत वाचम, मन पूतम समाचर। देख करके चलना चाहिए, जल को छान करके वस्त्र से छान कर पीना चाहिए, और जब बोलना हो तो सत्य बोलना चाहिए। मन है पूतम समाचर, किसी का अपना उद्गार प्रकट करना हो तो मन में उसे तोल लीजिए, मन में उसे शुद्ध कर लीजिए, क्या जो हम बोलने जा रहे हैं वो सही है, तब जाकर के विचार शुद्ध करके मन से बोलना चाहिए। ऐसा स्वभाव है श्री भरत जी का। अब भरत जी महाराज जी के ऊपर कोई किसी प्रकार का असर नहीं। भरत जी देखते चले जा रहे हैं कि राजा कह रहे हैं तो कह रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं, हमें कोई लेना देना। लेकिन दूसरी बार फिर वही गलती दोहराई गई, अब राजा से रहा नहीं गया। राजा ने कहा कि पालकी नीचे उतारो, पालकी को रोका, महाराज बाहर निकले। तुम दिखने में खूब हट्टे कट्टे हो लेकिन पालकी ढंग से चलाना नहीं आता, कुछ नहीं। बोले आगे से निरुत्तर है तो मैं तुम्हें दंड दे सकता हूं। जब दंड की देने की बात आई तो अब महाराज भरत बोलते हैं, राजा भरत अब बोले, संत स्वरूप राजा भरत बोलते हैं। पहले तो राजा ही थे फिर संत बने। महाराज भरत कहते हैं कि आप हमें दंड देने की बात करते हैं, महाराज तो दीजिए दंड, हमें तो दंड से भी कोई घबराहट नहीं। क्यों दंड से तुम्हें डर नहीं लगता? बोले तुम दंडित करोगे किसको, दंड किसको दोगे? इस तन को दोगे। आपकी पालकी का बोझ मेरे कंधे पर था, मुझे कोई लेना देना नहीं। मारोगे शरीर को मारोगे लेकिन मैं तो फिर भी मरने वाला नहीं। बोले तुम मरने वाले नहीं? बोले हाँ राजन। अब राजा ने सोचा, जिसे मैं मूर्ख समझ रहा था ये तो कोई बड़ा विद्वान साधु है, कोई बड़ा विद्वान साधु जान पड़ता है, आप कौन है महाराज और किस प्रकार कहते हैं कि हमारे तन को कोई कष्ट नहीं, मैं आपको दंडित करूंगा, आपको मारूंगा तो कष्ट तो आपको होगा, दर्द तो होगा। बोले नहीं कदाचित नहीं, कष्ट मात्र इस शरीर को होगा, मुझे कष्ट नहीं होगा क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। जीवन में पहली बार जड़भरत जी महाराज बोले और पहली बार ऐसा दिव्य ज्ञान दिया। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दह्यति पावक नै चैनम कलेदयन्ते आपो नै शोष्यति मारुतः।
मैं ना कटता हूँ, ना जलता हूँ, ना सूखता हूँ, ना भीगता हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं। राजा कहने लगे, देखो एक पात्र ले लीजिए, पात्र के अंदर जल भरें, जल के अंदर चावल डालें और उस पात्र को फिर अग्नि के ऊपर रख दें, तो सबसे पहले क्या होगा, पात्र गर्म होगा, अग्नि पात्र को गर्म करेगी, पात्र के अंदर जो जल है अग्नि पात्र के द्वारा उसे गर्म करेगी और जल के अंदर जो चावल मिले हुए हैं फिर वह गर्म होकर के उबाल आ ही जाएगा। तो फिर जो आप अपने आप को आत्मा कहते हो वो भी तो तुम्हारे शरीर में ही है, तो उसे भी तो दुख होना चाहिए। बोले देखो राजा, तुम संतों के पास जा जाकर के विद्वानों जैसी बात करने लगे लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं। जिसका तुमने उदाहरण दिया ये तो सांसारिक वस्तु है लेकिन आत्मा तो नश्वर है, अजन्मा है, शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है, आत्मा इस शरीर से निकल करके अनन्य शरीर को ग्रहण कर लेगी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नयन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा का कर्म क्या है, ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर पर पाप रूपी मैल लग जाती है, वृद्ध अवस्था आ जाती है, तो आत्मा कहती है अब हम इसका बोझ उठाने के लायक नहीं, तो इस शरीर को त्याग करके आत्मा दूसरे शरीर को नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेती है। जैसे कि हमें कोई वस्त्र प्यारा हो हम उस वस्त्र को बार बार उपयोग में लाते हैं लेकिन उस वस्त्र की भी कोई अवधि है, वो भी एक ना एक दिन खंडित हो ही जाएगा, कहीं से फट जाएगा या दाग लग जाए उस वस्त्र पर, तो हम क्या करते हैं कि अब ये हमारे पहनने के योग्य नहीं रहा इसलिए इसको त्याग दिया जाए, उसे हम त्याग देते हैं और नए वस्त्र खरीद करके फिर शरीर को सजाते हैं। आत्मा का भी बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से ज्ञान दिया जड़भरत जी महाराज ने, हे राजन ये आत्मा भी शरीर रूपी वस्त्र को ग्रहण करती है और जब यह वस्त्र आत्मा के लिए उपयोगी नहीं रहता तो इन वस्त्रों को त्याग करके आत्मा नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेती है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।